हिसार जिले के गांव खरड़ अलीपुर में स्थित स्वामी दीप्तानंद अवधूत आश्रम में सतगुरु बंदी छोड़ हरिहरानंद महाराज का नवम निर्वाण महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। स्वामी कृष्णानंद महाराज ने बताया कि सतगुरु बंदी छोड़ हरिहरानंद महाराज की 108 फीट ऊंची भव्य समाधि के निर्माण पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 4 फरवरी से विश्व शांति और पर्यावरण हेतु 531वां हवन यज्ञ महाकुंभ चल रहा है। उन्होंने बताया कि सतगुरु बंदी छोड़ घीसा संत महाराज के ग्रंथ साहिब की अमृतमय वाणी के 531 अखंड पाठ भी जारी हैं। स्वामी कृष्णानंद महाराज ने बताया कि 9 फरवरी को रात्रि 8 बजे से प्रभु इच्छा तक सत्संग रहेगा, 10 फरवरी को हवन यज्ञ होगा और 531 अखंड पाठ संपूर्ण होंगे। हम स्वामी दीप्तानंद अवधूत आश्रम खाट अलीपुर के अंदर हैं और ये महाराज जी हरिहरानंद जी ने यहाँ तपस्या की है और उनकी जो समाधि है उसका कार्य अब पूर्ण हो गया है, तो 10 तारीख को इसका लोकार्पण है। उसी की खुशी के अंदर सात संगत ने मिलकर के ये फैसला लिया कि 531 अखंड पाठ और इतने ही हवन 4 तारीख से 10 तारीख तक करने का विचार हुआ। और अखंड पाठ की जो वाणी है और जैसे हवन है ये हमारे पर्यावरण को शुद्ध करता है, वातावरण को शुद्ध करता है, शरीर में कष्ट होते हैं उनका निवारण करता है, तो इसलिए सभी को संदेश भी है, सात संगत को संदेश है कि कल और परसों के 2 दिन इस कार्य के बचे हुए हैं तो इसके अंदर जैसे पूर्ण आहुति होगी तो सात संगत आकर के जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो आकर अपनी आहुति डालें और अपने जीवन का कल्याण करें। एक जो 4 तारीख से शुरू हुए थे 10 तारीख उनकी पूर्ण आहुति होगी, ये रात और दिन चलते हैं। अखंड पाठ है, अभी जैसे 2 घंटे के लिए एक पाठक पाठी बैठे हैं तो उसके बाद दूसरा पाठी आ जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, मतलब ये रूटीन में कंटिन्यू 4 से लेकर और 10 तारीख तक चलता ही रहेगा, इसके अंदर बीच में कोई टूट नहीं है। गुरुकुल के बच्चे जो है वो भी पाठ करने के लिए बुलाए हैं और बड़े अच्छे भाव के साथ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं पर उनकी भी एक श्रद्धा और विश्वास है और पाठ करने में बड़ी रुचि है और बड़े अच्छे से पाठ कर रहे हैं। इस आश्रम में जो भी कार्यक्रम हुआ वो चारों तरफ आप नजर मार के देखिए कहीं भी नहीं है, यहाँ कृष्ण महाराज जी जो इस गद्दी को संभाले हुए हैं वो एक अद्भुत महाराज हैं और उनकी शरण में आने के बाद बहुत सारे दुख दर्द या जो अपने जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो यहाँ इस आश्रम में आगे बड़ी शांति मिलती है। और मैं मानता हूँ कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि समाज में शुद्धता रहे, हमारा जो समाज बिखरता जा रहा है उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको संगठित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आके बहुत कुछ आदमी सीखता है, अनुशासन में रहना सीखता है और एक जो युवा पीढ़ी है उसको नई दिशा दी जाती है कि हम धर्म से जुड़े रहें, हमारा धर्म सर्वप्रिय है, धर्म नहीं है जिस समाज में वो धर्म क्या बिखर जाता है। तो इसलिए सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कृष्णानंद महाराज जी को और उनकी पूरी टीम को जो दिन रात इन यहाँ संतों की सेवा में लगे हैं और ये एक इस पूरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए हवन यज्ञ का जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये एक अनोखा यज्ञ है, अनोखा हवन है, इतने लोग मैंने कभी नहीं देखे। यहाँ करीब करीब रोज़ाना जो है 3, 4 और 5 हज़ार के बीच में लोग आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं, यहाँ लंगर चला हुआ है। तो समाज के लोगों से भी मैं कहूँगा कि वो यहाँ आएँ और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएँ और महाराज जी के यहाँ पे गद्दी है, गद्दी को सलाम होता है, किसी इंसान को सलाम नहीं है। और कृष्णानंद महाराज जी एक देवता किस्म के व्यक्ति हैं, देवता किस्म के गुरु हैं मेरे और मैं राकेश कोच हूँ, हरियाणा कुश्ती संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मैं बहादुरगढ़ से हूँ लेकिन मैं रोज़ ही हाजिरी देता हूँ, मेरे को इतना अच्छा महसूस होता है, यहाँ पर शांति मिलती है और ऐसी पावन धरती पे सबको मैं मानता हूँ कि माथा टेक के जाना चाहिए। और महाराज जी ने जो लंगर 24 घंटे का चलाया है, किसी से चंदा किसी से कुछ भी कभी भी महाराज जी नहीं मांगते हैं, लोगों की श्रद्धा है, जो देना चाहिए आश्रम है धर्म है कोई भी दे सकता है, लेकिन महाराज जी अपनी तरफ से कभी भी किसी को चंदे की नहीं कहते, ये बहुत महान व्यक्तित्व है ना। तो आजकल के महाराज तो जो है ना जेब फाड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन कृष्णानंद महाराज जी अलग किस्म के महाराज हैं और मैं कहूँगा कि भगवान उनको खुश रखे, भगवान उनको स्वस्थ रखे और समाज में ऐसे ही कल्याण के लिए वो करते रहें। मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ की जनता को भी, खरड़ पूरे गांव को, अलीपुर खरड़ को भी, जो इतनी अच्छा व्यवस्था उन लोगों ने की हुई है और जो संत उनके साथ जुड़े हुए हैं दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ।
बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऐसे हवन यज्ञ चलेंगे तो हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा और हमारा समाज भी सुधरेगा। नमस्कार। जो पाठ हो रहा है आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक पाठ हो रहा है। स्वामी दीप्तानंद जी महाराज का यह आश्रम है 1972 में, 1978 में ये जमीन जो है स्वामी दीप्तानंद को हरिहर नंद तो यहाँ आश्रम बना है। यहाँ आश्रम से लोगों को आसपास के इलाके को बहुत फायदा हो रहा है। यहाँ पर समय समय पर चिकित्सा के शिविर लगते हैं, आध्यात्मिक सम्मेलन होते हैं, तो यहाँ पर आसपास के लोग बहुत ही लाभ उठा करके जाते हैं। और महाराज जी जो अब कृष्णानंद जी महाराज है, ये राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोक्त है। इन्होंने श्री राम जन्मभूमि के बारे में भी काफ़ी कुछ कार्य किया और ये अयोध्या में भी राम दल्ला के उस पर उद्घाटन पर गए। तो महाराज जी राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोक्त है और ये चाहते हैं कि वह हमारे देश के अंदर एक सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण तैयार हो जिससे लोग संदेश लेकर के आगे बढ़ें।